रातों रात कैसे राणा चोरों पर और इसके पैसे खाए। अब वो वकील जो इसने किया है वो इसका रिश्तेदार तो है नहीं, हाँ, जो बिना पैसे लिए उसने पेटिशन फाइल कर दी। ओ भाई साहब, हेलो, आपको नहीं जानता होगा इस पिंड में कोई भी, नहीं होगी आपकी कोई इज्जत रसूख, और राणा के ना कॉन्टैक्ट्स हैं, और जो केस बंदा लड़ रहा है ना मेरा दोस्त का जीजा है, उसने यारी दोस्ती में किया काम ये, उसने कहा जब बिल्डर से ना जब केस जीत जाएगा पैसे आ जाएगा तब पैसे दे दियो, समझ गए? आप ये कैसे कह सकते हैं सच? राणा ने कितने जद्दोजहद लगाकर वो पैसे इकट्ठा किए, डॉलर ने, हमारे दामाद ने इस घर में भी पैसे डाले, और आप ये क्यों कह रहे हैं? राणा इतना कैसे गिर सकते हैं? डाले गिरा हुआ इल्जाम राणा पे लगा सकते हैं, वो अपनी फैमिली के पैसे कैसे चुराएंगे? रहने दे निवृत्त, इनकी तो आदत ही है बिना बात पे राणा पे इल्जाम लगा दो, बिना किसी गवाह के, बिना किसी सबूत के। गवाह भी मेरे पास, सबूत भी। हाँ तो दिखाओ ना फिर। अगर इल्जाम लगा रहे हो तो साबित भी करके दिखाओ। करो साबित, रातों रात कैसे राणा चोरी हो गया? तो करो साबित, रातों रात राणा कैसे चोर हो गया, बोलो अब। अरे राणा, इनसे ये पूछो कि इनके पास कहां से पैसे आए। कहाँ जाएंगे भाजी, जब चोर घर में है तो पैसे घर में ही होंगे ना। वो घर में कौन चोर है? जिसकी दाढ़ी में तिनका है। ओ भाई साहब, मतलब क्या है आपका? आपका इशारा मेरी तरफ तो नहीं है ना? इतनी जल्दी समझ गया तू? ओ पागल हो गया भाई साहब, क्या बकवास कर रहे हो? सच है? किसने कहा आपको ये सच है? रखे तो वही थे ना? नहीं है ना? क्या होगा सरदार जी, रखे तो वही थे। शांत हो जाए, सच है, शांत हो जाए, और टेंशन में बीपी ना बढ़ा लेना अपना, तुम्हें ठंडी सांस ले और सोच, कोई और तो नहीं करती है? रखे तो आपने थे, बाहर से कोई आए तो ना, फिर कहाँ जाएगी, किसे जा सकती है इस बात? कहाँ जाएगी?